दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो वर्नियर कैलिपर के ऊपर है। वर्नियर कैलिपर से हम क्या मेजर कर सकते हैं, इसकी लिस्ट काउंट क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके पार्ट कैसे, इसे मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा वर्नियर्स है, पूरा वर्नियर कैलिपर्स। इसके अंदर ये हमारी मेन स्केल है और ये हमारा वर्नियर स्केल है। ये क्या है, वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, ये हमारी डेप्थ मेजरमेंट ब्लेड है, ये हमारा लोक स्क्रू है और ये हमारा फाइन एडजस्टमेंट है। ये हमारी स्लाइडिंग जा है ओडी चेक करने के लिए, फिक्स्ड जा है ओडी चेक करने के लिए। ये हमारा इनसाइड फिक्स जा है और ये इनसाइड स्लाइडिंग जा है हमारा। तो लिस्ट काउंट हमारे वर्नियर की होती है 0.02 mm, और इंचेस के अंदर बात करें तो 0.01 इंचेस होती है। mm के अंदर 0.02 mm और इंचीज के लिए 0.001 इंचीज। तो दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर, हमारे वर्नियर का जो सिद्धांत है या प्रिंसिपल है वो क्या है। हमारे वर्नियर का जो प्रिंसिपल है वो डिफरेंस बिटवीन टू स्केल, यानी दो स्केलों के बीच का जो अंतर होता है, यानी दो स्केलों के बीच का जो अंतर है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर है, वर्नियर का सिद्धांत है। तो इसके यूज हम करते हैं मेजरिंग डायामीटर को, इनसाइड हो या आउटसाइड डायामीटर हो उसको मेजर करने के लिए करते हैं, डेप्थ मेजर करने के लिए यूज करते हैं, इसके अलावा हाइट या टोटल लेंथ भी मेजर करने के लिए हम वर्नियर का यूज करते हैं। इसके मेन प्रमुख पार्ट है वो मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, मेजरिंग ब्लेड है, लॉक स्क्रू है और फाइन एडजस्टमेंट है। तो दोस्तों ये हमारी मैट्रिक के लिए और ये इंचीज के लिए है। ये हमारी जो इसके अंदर रीडिंग है, ये इनसाइड चेक करने, आउटसाइड चेक करने के लिए, इनसाइड इनसाइड मतलब आईडी चेक करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपका।